कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार संकट चतुर्थी के नाम से उसे जानी जाती है और उस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु, जीवन, लंबी आयु की कामना, अनुकूल पारिवारिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और शाम के वक्त चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत समाप्त करती हैं। इस व्रत में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसी पूजा विधि करनी चाहिए, इसको लेकर राजधानी रायपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं, आइए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में चतुर्थी तिथि को ही व्रत के लिए उपयुक्त माना गया है, जो कि भगवान गणेश जी से संबंधित यह व्रत है। यह माह में दो व्रत मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी व्रत बोलते हैं और जो शुक्ल पक्ष में होती है उनको विनायक चतुर्थी बोली जाती है। तो इस तरह से हर महीने की इस व्रत के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है जिसको संकष्टी चतुर्थी और हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा के अनुसार इनको संकट के रूप में मनाई जाती है, संकट के नाम से जानी जाती है। यह संकट चतुर्थी का व्रत प्रायः हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा में अधिकतर पुत्रवती माताएं ही रहती हैं, जिनको पुत्र की दीर्घायु जीवन और लंबी उनकी अनुकूल पारिवारिक जीवन हो उनके लिए यह व्रत किया जाता है। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और रात के समय जब चंद्रदेव उदय होते हैं तो उनको अर्घ दे करके अपना जो व्रत का पारण करते हैं। इस माह जो माघ कृष्ण की चतुर्थी तिथि है वह पड़ रही है 29 तारीख सोमवार, तो इस दिन यह व्रत संकट चतुर्थी के नाम से मनाई जाएगी। चंद्र को अर्घ दिया जाता है, कितना समय दिया जाएगा और उसका कोई लग्न है? जैसे कि हमारे पंचांग में इनका उदय होने का समय भी बताया जाता है कि चंद्र उदय कितने बजे होगा। इस बार 8:55 में रात्रि में यह चंद्रोदय होगा। तो जैसे ही चंद्रदेव उदयित होती है तो उनके दर्शन करके अपनी अपनी प्रथा परंपरा क्षेत्र के अनुसार जो है कोई तिल का पहाड़ बनाते हैं, कोई लड्डू इत्यादि, इसको तिल चतुर्थी भी बोली जाती है। इसलिए तिल युक्त जल और दूध से भगवान चंद्रदेव को अर्घ देकर के यह पूजा जो है संपन्न की जाती है।